संतों ने कहा, संसार के लोगों से प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से ज़्यादा हो जाए, प्रेम अगर आसक्ति का रूप ले तो प्रेम आपको मोक्ष मार्ग से विमुख कर देगा। प्रेम किसे कहते हैं? जहां पर स्वार्थ ना हो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा कुछ पाने की चाहत ना हो, उसी को प्रेम कहते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करें तो भी बस एक निर्मल भाव हो, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं और इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमने प्रेम के बदले कुछ पाने की इच्छा रखा, हम जिससे प्रेम करते वो भी हमें प्रेम करें, ये भाव हमने रखा तो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार हो गया। प्रेम का अर्थ है पवित्रता, प्रेम का अर्थ है निर्मल भावना, प्रेम का अर्थ है हम जितना कर सके दूसरों के लिए वो करें, लेकिन दूसरों से कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ने इच्छा होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए। आज भरत जी महाराज ने उस हिरण से अत्यंत प्रेम किया, लेकिन अब भरत जी को लगता है कि इसके बिन मैं बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा, आसक्ति में बदल गया। सुबह शाम पहले तो हर समय भजन करते थे, लेकिन अब भजन की संख्या कम होती जा रही, धीरे 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 करके भजन की संख्या कम हुआ। 24 घंटे भजन करते थे, अब धीरे धीरे 20 घंटे में आ गए, 18 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, अब तो भजन बंद, केवल 24 घंटे हिरण का चिंतन होने लगा। जिंदगी भर जिस राम नाम का चिंतन किया, लेकिन अंतिम समय वो मन कहीं अन्यत्र फंस गया, किसी और में मन लग गया, तो उस मन को वहाँ से निकाल करके प्रभु के चरण में जोड़ पाना ये संभव नहीं हो पाता है। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे, सबसे प्रेम करो। संसार के प्रत्येक जीव प्रेम के अधिकारी हैं, प्रत्येक जीव से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति कहीं पर मत रखो। कुछ लोग कहते हैं ना, हम उसको इतना प्रेम करते हैं, अगर वो हमें छोड़ के चला जाए तो हम बिल्कुल जी नहीं पाएंगे और उसके बिन तो मर जाएंगे, ये भाव आ जाना, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे आसक्ति कहते हैं। सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो, लेकिन शुद्ध प्रेम भगवान से करो।